आज अभी हम लोग आशीष के घर पे, और ये आशीष, और ये अपना पुराना वाला घर दिखाएगा कि गांव में पहले घर कैसा होते थे। न्यू वाला जो घर बना ये है, और इसका ये ओल्ड वाला होम है जो अभी लेके थे। और आप दीवार की मोटाई देखिए, 15-20 ये बताओ, बताते चलो, फीट में है, इंच में। हाँ ये देखो दीवार की मोटाई, गाइस इधर देख रहा है, ये इधर से 14 इंच है, 9 इंच 14 इंच प्लस। पहले मोटाई बता दे, दीवार की मोटाई क्या है, ऐसे एक एक चीज। 2 फीट, ये 2 फीट दीवार की मोटाई है। ओके, और ये छोटा, पहले जमाने में लोग कैसे छोटे छोटे, तो देखो पहले ये सीढ़ियां कैसे होती थी। मोहन जो दौड़ो सभ्यता पे चल रहे हम लोग, और ये सेकेंड फ्लोर पे जाने का ऑप्शन है। देखो ये है सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सॉरी फर्स्ट फ्लोर। देखो कैसा होता था इनका, ये टावर उपले उपले उपले, हम लोग तरफ गोहरी बोलते हैं, उधर की तरफ उपले बोलते हैं, किधर तरफ कुछ बोलते हैं। ये देखो लकड़ी इधर, मतलब ये थोड़ा सा खाना बनाने के लिए स्टोरेज, ये खाना बनाने के लिए स्टोरेज जो रहता है ये वाला एरिया है। तो चप्पल पहन ले, ये देखो पहले के गाइस, ये देखो पहले के चूल्हे जिस पे खाने बनते हैं, अभी भी यूज होता हुआ कभी कभी, जब से ये देखो ये इनका ये किचन हुआ करता था। पहले ये किचन था, ये इसका गोबर गैस का स्टोव यहाँ हुआ करता था। अच्छा, ये गोबर गैस का कनेक्शन वाला है, इधर दिखाओ पहले रोशनी में। किधर गोबर गैस? अरे ये नहीं है, वो क्या है, अंदर अलमारी कैसे बनाई जाती है। ओहो ये एंटीक पीस, एंटीक पीस, ये देखो ये एंटीक है, अंदर अलमारी ऐसे बनाई जाती है आराम से। इसमें तो हम मुर्गा पाल सकते हैं भाई साहब। चलो 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 आगे, चलो आगे, चलो मुझे वीडियो बहुत लंबा जाएगा। नेक्स्ट देखो ये एक रूम है, यहाँ पे क्या होता था, क्योंकि अभी इधर कोई रहता नहीं है, इधर सब चूहे बिल्ली बारिश, चूहे बिल्ली, चूहे बिल्ली का घर बन गया। ये देख लो ये कैसे हो गए, झंझड़ से हो गए, गिर रहे हैं सब। ये देखो ये चूहे दिखाओ, अच्छा देखो आप इतने पतले चूल्हे देखे हो कभी आपने, ये देखो एंटीक पीस है, ये सब चीजें ये संभाल रखा। देखो ये चूल्हा, ये डबल मुंह वाले चूल्हा, रहने दो, इधर से आग लगाया जाता है और इधर से दो साइड से जलते हैं, ऐसे टाइप के चूल्हे हैं ये सब। बहुत पहले हम लोग गांव में डबल स्टोव, डबल चूल्हा, ये देखो ये है भट्टी, ये भट्टी है दूध पकाने के लिए ना, अगर मैं सच बोलूं तो। हाँ ये चीज मैंने देखा हुआ अपने गांव में, ये दूध पकाने वाला सीन तो मैंने देखा हुआ है। ऊपर भी इसके आ सकते हैं, ये है ना फ्लोर। अच्छा ये ऊपर फ्लोर है, लेकिन ये सीढ़ी वीढ़ी इसका कब खत्म, सीढ़ी उसमें टूट गया, सीढ़ी टूट चुका है। अब देखो इसने यहाँ से थोड़ा सा पक्का वाला करा दिया है, ये तो पीछे का टूट गया तो इसलिए बना दिया गया, ये गिर गया तो उसको बनाया गया। ये मतलब पुराना हो गया है, तो अब ये कुछ ही दिन के लिए एंटीक रह गया। ये सब चीजें एक्सप्लोर करवा रहा है आशीष हम लोगों को अपना घर। अच्छा तुम्हारा कॉलेज वाला बैग, सो ये देखो ये पहले, ये भी डबल फ्लोर है, ये है, ये देखो पहले की अलमारी, और ये है हमारा फोटो नन्ना मुनी का राही। देखो ये आशीष है, देखो ये अंदर, ये देखो आशीष छोटे में कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये पहले गलवारी जो मैं दिखाया था, पहले अगर कोई शादी वादी करता था सबका भी सब उसका यही होता था। देखो इसके ऊपर लॉकर, ये होम, उसके नीचे उसका घर, पहले के बहुत सिंपल से घर, बहुत काम धाम ताम झाम नहीं। अब चलो आपको ले चलते हैं डबल फ्लोर में। एक ये रूम जिसमें इन्होंने रखा हुआ है आलू, देखो पहले गाँव में आलू ऐसे रखते हैं, देखो ना ये है ना, इसकी वजह से क्या होता है ठंडा रहता नहीं चीज़, तो खराब नहीं होता है। ये देखो 15 साल पुरानी पेंटिंग, ये आशीष की पेंटिंग, कौन से क्लास में बनाया था इसको, ये वर्ल्ड कप में जीते थे क्या अभी, ये वर्ल्ड कप पत्ती रखने वाला है साहब, ये भी वर्ल्ड कप से भी है। ये सब पेंटिंग है जिसको, ये तो ऑस्ट्रेलिया की है। अच्छा ये है, और ये ये उसने, रुको पीछे जाने की दरवाजा है, उस जमाने में जूता होता था बुलंद अलमारी, और उस जमाने में जूता नहीं होता था, इस जमाने का जूता बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा इन स्टोर हुआ, ये खुला सेमसी वाला कब खुलेगा, पुलिस स्टोर वाला। ओह माय गॉड, अगर इसमें ऐसा वीडियो नहीं चलेगा पर तुम लोग इसे किसी को कर देते। देखो आज अब हम आप लोग चल रहे हैं सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर कैसा होता है देखो, मोहन जो दाड़ों की सभ्यता जैसे, ये हर रूम में बना हुआ है,
जिस जिस रूम में सेकंड फ्लोर है ना उस रूम में ये चीज बना हुआ है। इससे बहुत समझ में आता है, बहुत बड़ा फायदा है, गर्मी में आप बिना पंखे के सो सकते हैं। मिट्टी घरों में पूरा ठंडा रहता है। ये देखो भाई जी, ये पूरा अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ गए, इसमें जगह है, देखो गिरेगा ही नहीं, कमजोर है थोड़ा, लेकिन मत जाओ, हिलता है लेकिन टूटेगा नहीं गाइस, थोड़ा सा तो रहेगा, पुराना हो गया है तो, घर गिर रहा है तो, मतलब यहाँ पे जाने में थोड़ा। ये देखो एक ये है रूम, ये मतलब अच्छा ये मजबूत है, ये खिड़की है हवा आने के लिए। देख रहे हो पहले के गाइस वेंटिलेशन, जो आज लोग परेशान रहते हैं कूलर में, उनका उमस हो जाता है। देखो कूलर में उमस होने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है, देखो पहले घर ठंडा क्यों रहते थे, क्योंकि इधर से हवा का पास होता है और इधर से उसके डायरेक्ट सामने निकासी होता है, तो इससे क्या होता है ना। एंटीक पीस दिखाओ। हाँ देखो ये एंटीक पीस है, ये लालटेन है, पहले का गैस से जलता है ना, लालटेन है, ये मिट्टी के तेल वाला है, तेल वाला है। हाँ ओके, फिल्म हॉरर फिल्मों की शूटिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। देखो ये लग भी रहा भूत जैसा, अपने इस पे करो लाइट, ये देखो भूत। ठीक है, आज के देखो आज के लोग कूलर के लिए परेशान रहते, जो मैं बता रहा था, यहाँ से हवा जब आप आएगी ना, और हवा अगर डायरेक्ट पास होगी तो जितनी गर्मी रहेगी अंदर की वो लेके सारी बाहर चली जाएगी, इसकी वजह से क्या होता है ना कि गर्म नहीं होता रूम। और कूलर लोग क्या करते हैं, खाली इंटेक कराते हैं घरों में, आज के आउटलेट नहीं देते हैं, इसकी वजह से कूलर में उमस बनने लगता है और ठंडा होने की वजह और गर्म कर देता है रूम को। ये देखो थोड़ा सीढ़ी से संभाल के उतरना पड़ता है। ये देखो लालटेन नहीं देखे, लालटेन अब देखो, ये देखो एक ये भी, ये रूम है कि बाहर जाने का रास्ता है, लालटेन। ये भी रूम है, 10 साल पहले सब इधर ही आते थे। चलो चलो नहीं खुल रहा, चलो छोड़ो, सोचो इतना मेहनत 10-20 साल में ये देखो हो जाता है। 7 साल पहले, 10 साल पहले इधर से ही मेन गेट था, ये मेन गेट था, ये मेन गेट है गाइस इनका, देखो मेन गेट पर आता है आमी जे तुमा। फिर से करो आंसर, आमी जे तुमा। क्या 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 क्या, ये जवाब, ये देखो इतना पुराना हो गया, मतलब देख रहे हो पुराने में ज्यादा लगी गई, कोई रहता होता नहीं है इसके चलते। तो गाइस ये रहा उसका पुराना घर, बाबा आदम करें जो था उस समय नहीं था। चलो बकरी दिखाओ, ये रहा बकरी, लाइट जलाओ, लाइट चमच पिटोस, ये तो नए जमाने का, ये तो नए जमाने का, देखो नहीं है इसमें पुराने जमाने जो भी है गाइस। अभी देखो ये बकरी आप लोग देखे होंगे जिसमें अन्न रखते, गेहूँ चावल रखते, ये तो नए जमाने का, इसको कंडाल भी बोलते हैं अपनी भाषा में, बोलते हैं तीन वाला कंडाल ना, ये भी नया है। अब बताओ देसी वाला, ये मिट्टी 20 क्विंटल, ये पूरे मिट्टी के अंदर लगा हुआ, बांस का लगा हुआ है मिट्टी सिर्फ। अब बताओ 20 क्विंटल कैसे तुम बोल रहे हो, 20 क्विंटल इसमें ये था, एक बार भरा गया था गेहूं, फिर बेचा गया, पूरा 20 क्विंटल, पूरा 20 क्विंटल पता लगेगा कि 20 क्विंटल का है, बनाते समय मतलब नहीं पता लगा था।